भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई। माना जा रहा है कि दिवाली बाद बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। बैठक में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक वीरू सिंह राठौड़ सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। लखावत ने बताया, घोषणा पत्र के लिए विभिन्न संगठनों जिनमें सामाजिक संगठनों, किसानों के संगठन, व्यापारी संगठनों सहित विभिन्न समूहों के सुझाव प्राप्त हुए हैं। किन किन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, पिछली बार के सुराज संकल्प पत्र के भी बिंदुओं पर चर्चा बैठक में की गई। वो तो सर आप भी देख लो, आपके सामने है पोजीशन, रात दिन आपसे मिलते रहते हैं। एक बार अनुभव से सुझाव आ जाता है। नहीं, आप बराबर का सही अनुभव रहता है सर, मेरे को ऐसा लगता है। वो तो पेंडिंग ही चलती है ना सर। आपके एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया था? हो गया था। एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस है? वो है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है। मेडिकल इंश्योरेंस एक्रेडिटेड से बाहर निकालना चाहिए। तो सर ये रिपोर्ट कब तक सबमिट, मतलब जारी? पार्टी में पेश होकर विचार करके।